गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का बच्चों हमारा टॉपिक है लूप स्टेटमेंट, है ना। हम पाइथन पढ़ रहे हैं बच्चों। पाइथन में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। बट आज का हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है लूप स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बहुत सारे टाइप्स के टॉपिक्स को डिस्कस करा। रिसेंटली हमने जिसकी बात करी है वो है आपका लूप इफ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है और किस तरीके से काम करता था वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ठीक है, अब बच्चों आज हम लूप स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे कि लूप स्टेटमेंट होता क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों व्हाट इज लूप स्टेटमेंट, मतलब लूप स्टेटमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम उसकी एक डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, द फॉर लूप इन अ पाइथन यूज टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस लिस्ट टपल स्ट्रिंग और अदर इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रवर्सल। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें, अगर पाइथन में लूप के लिए एक अनुक्रम सूची टपल स्ट्रिंग या अन्य पुरातत्व वस्तुओं पर पुनरावृत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक अनुक्रम पर पुनरावृत्ति को ट्रवर्सल कहा जाता है। मतलब पाइथन में लूप को एक इटरेटिव और सीक्वेंस के फॉर्म में यूज किया जाता है, जैसे लिस्ट टपल और स्ट्रिंग होती है, और इसे इटरेटेबल किया जाता है, मतलब रिपीट देन रिपीट किया जाता है। इटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ट्रवर्सल, और इसी वजह से इसे हम ट्रवर्सल के नाम से भी क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम एक अनादर टाइप के डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज लूप स्टेटमेंट। तो देखिए, इन अ पाइथन सीक्वेंस आर एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस मैनर इफ अवर कोड इज मेड अप फॉर सेवरल लाइन ऑफ कोड द एग्जीक्यूशन विल स्टार्टेड एट द फर्स्ट लाइन फॉलोड बाय द सेकेंड एंड सो ऑन। हाउ वेयर देयर विल बी एक्सेस वी मे वॉन्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड टू एग्जीक्यूट सेवरल टाइम अंटिल अ कंडीशन इज मेट। थैंक्स टू लूप स्टेटमेंट वी कैन डू जस्ट दैट। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो पाइथन में कथन को क्रमबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है, अर्थात यदि हमारा कोड की कई पंक्तियों से बनता है तो निष्पादन वाली पंक्ति से शुरू होगा, इसके बाद दूसरे और इसी तरह। हालांकि ऐसे मामले होंगे जहां हम एक शर्त पूरी होने तक कोड के ब्लॉक के को निष्पादित करते हैं। लूप स्टेटमेंट के लिए धन्यवाद, हम ऐसा ही कह सकते हैं। मतलब बच्चों कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूप स्टेटमेंट। तो लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट इन अ सेवरल मैनर। एक लूप होता है जो एग्जीक्यूट होता है रिपीट देन रिपीट देन रिपीट। जैसे सपोज स्टूडेंट एक साइकिल किस तरीके से मूवमेंट करती है, उसी तरीके से ये कौन मूवमेंट करता है, हमारा लूप क्या करता है, मूवमेंट करता है। ये सीक्वेंस ऑफ टास्क है जो सीक्वेंसली हमारी चीज़ों को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। वी विल स्टार्ट इट इज द फर्स्ट लाइन, सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, देन कंटिन्यू डे बाय डे डे टाइम टू टाइम क्या करता है, चलता रहता है। इसे हम लूप स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, क्लियर। आप देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं तो यहाँ हमारा कोड स्टार्ट हुआ, है ना। यहाँ हमने कंडीशन दी, अगर ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ लूप और फॉल्स हुई तो एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब देखिए स्टूडेंट, हमारी जो भी लूप की चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से रिपीट देन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट क्या करती है, काम करती है, जिसे हम लूप स्टेटमेंट के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ लूप, मतलब लूप कितने तरीके से होते हैं। तो अगर हम पाइथन टाइप्स के लूप की बात करें तो पहला होता है व्हाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट होता है बच्चों फॉर लूप, क्लियर। और उसके बाद नेक्स्ट होता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये तीन तरह के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लूप होते हैं, क्लियर।
क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं व्हाइल लूप स्टेटमेंट, मतलब कि व्हाइल लूप होता क्या है। क्लियर? चलिए देखिए आप व्हाइल लूप क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पाइथन व्हाइल लूप अलाउ अ पार्ट ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूट अंटिल द गिवन कंडीशन रिटर्न फॉल्स। इट इज ऑल्सो नाउ एज प्री टेस्टेड लूप। इट कैन बी व्यूड एज अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट when we don't know the number of iteration when the while loop is most effective to user। इसी डेफिनेशन को हिंदी में अगर देखें तो पाइथन जबकि लूप कंट्रोल कोड के एक हिस्से को जब तक निष्पादित करने की अनुमति देता है जब तक कि दी गई स्थिति झूठी नहीं हो जाती, इसे प्री टेस्टेड लूप के रूप में जाना जाता है। इसे दोहराए जाने वाले कथन के रूप में देखा जा सकता है। जब हम पुनरावृत्तियों की संख्या नहीं जानते तो लूप का उपयोग करने के लिए सबसे प्रभावी है। मतलब बच्चों व्हाइल लूप स्टेटमेंट क्या होता है, तो पाइथन व्हाइल लूप क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट। ये कोड एग्जीक्यूट करता है द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना होते। इट ऑल्सो अ प्री टेस्टेड लूप, इसे हम प्री टेस्टेड लूप के नाम से भी जानते। इट कैन बी रिसीव्ड अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट वी डोंट नो द नंबर ऑफ इटरेशन व्हेन मोस्ट व्हाइल लूप इज इफेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा क्या होता है बच्चों, व्हाइल लूप स्टेटमेंट होता है। क्लियर? चलिए अब हम बच्चों व्हाइल लूप का एक और क्या करते हैं, सिंटैक्स के थ्रू इसे समझते हैं। तो देखिए व्हाइल लूप में क्या लिखा जाता है, सबसे पहले सिंटैक्स, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। मतलब एक व्हाइल लगाया, जो आपको एक्सप्रेशन लगाना है वो, उसके बाद इसका स्टेटमेंट। इसी डेफिनेशन को मैं आपको एग्जांपल में चलाऊं तो देखिए व्हाइल आई लेस देन ग्रेटर देन इज 9, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस 1 एंड आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, अब इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो देखिए कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो बाहर फेंक देगा, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी ऑफ द लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये बच्चों क्या है आपका, व्हाइल लूप है, और ये इस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है फॉर व्हाइल लूप, है ना। देखिए फॉर व्हाइल लूप क्या करता है, तो देखिए हम जरा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर व्हाइल लूप। द फॉर लूप इज पाइथन इज यूज टू इटरेट दैट स्टेटमेंट और अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रेवल्स द डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो पाइथन में लूप के लिए कई बार स्टेटमेंट या प्रोग्राम के एक हिस्से को पुनरावृत्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अक्सर सूची, टपल या शब्द को जैसे डेटा संरचनाओं को पार करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब फॉर लूप क्या होता है, तो फॉर लूप एक पाइथन है। इट यूज टू इटरेटिव द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को क्या करता है, इटरेट करता है फॉर द पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन सेवरल टाइम। ठीक है, इट इज फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रवर्स अ डेटा स्ट्रक्चर लाइक अ लिस्ट, और डेटा स्ट्रक्चर में ये फ्रिक्वेंटली हमारी चीज़ों को क्या करता है, ट्रेवल्स करता है, फ्रिक्वेंटली क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, क्लियर? जैसे कौन कौन सी चीज़ अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, लिस्ट है, टपल से और डिक्शनरी है। क्लियर? तो ये क्या होता है बच्चों, आपका फॉर लूप होता है। क्लियर? चलिए अब बच्चों इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले सिंटैक्स है फॉर इटरेशन वेयर इन सिक्वेंस, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट, फॉर कोई कंडीशन लगाएंगे देन फिर स्टेटमेंट। इसी में देखिए एक एग्जांपल जैसे मैंने बनाया, जैसे मैंने एक लिस्ट ली बच्चों, 1 से लेकर 10 तक की चीज़ें उसमें लिए, एन कहाँ तक चलेगा, 4 तक। फॉर लिस्ट आई इज लिस्ट, सी इज इक्वल टू एन इन टू आई, मतलब प्रिंट। तो ये आपको पूरी एक टेबल क्या करके देगा बच्चों, प्रिंट करके देगा। क्लियर? तो ये आपका क्या है बच्चों, फॉर लूप का स्टेटमेंट है। क्लियर? इसी डेफिनेशन को अगर हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझे तो देख लिए लिस्ट फ्रॉम द सीक्वेंस
इफ द नॉट इन लेफ्ट इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं है तो वो बाहर फेंकेगा, और अगर सीक्वेंस में है तो वो इस तरीके से देन रिपीट देन रिपीट देन रिपीट करेगा, कब तक, जबकि आपकी सिक्वेशन गलत ना हो जाए। क्लियर? तो ये भी हमारा कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों, तो इसे हम फॉर लूप स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम बात करते हैं नेस्टेड फॉर की। ये भी एक तरीके से उसका लूप का टाइप होता है। इसको हम एज एग्जांपल देखते हैं, इसमें हम मल्टीपल फॉर्स के यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रूट ने दिया एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है। फॉर एक्स इन फ्रूट, एक्स क्या है, फ्रूट है, तो प्रिंट क्या कर दे वो एक्स की वैल्यू। क्लियर? इसे देखिए तो एप्पल के आंसर क्या आ गया बच्चों, एप्पल, बनाना और चेरी, क्योंकि ये सभी क्या है, फ्रूट्स है। क्लियर? तो ये आपका क्या था बच्चों, तो ये था आपका नेस्टेड फॉर इफ स्टेटमेंट्स। क्लियर? चलिए आई होप सो स्टूडेंट्स कि आज हमने जो फॉर लूप्स के टाइप फॉर लूप लूप देखे और उसके दो टाइप्स को समझा, आई होप सो कि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए ओके, थैंक यू।